Dear students, good morning. Students, in this video, we are going to solve your exercise B part in which you have to write answers to the following questions. Yeah. This video is related to class 8, computer and chapter 1. Here, the first question is define a computer network. Computer network के बारे में बताना. Answer is a computer network is a composed of multiple computers connected together for the purpose of communicating with each other and sharing data and resources. एक computer क्या होता है? Sorry, computer network एक group होता है कई सारे computers या peripheral devices का. और क्यों बनाया जाता है? ताकि हम group में computer से communicate कर सकें और hardware और software resources को आपस में शेयर कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के दो एडवांटेज बताइए. तो पहला हमने लिया है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बातचीत या डाटा शेयरिंग. और दूसरा है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग. ओके, ये दो एग्जाम्पल्स हो गए. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ए मॉडम. मॉडम क्या है? मॉडम इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच सर्व एज ए मीडियम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइंस. मॉडम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो सर मतलब एक्ट करता है एक मीडियम माध्यम के कई मतलब माध्यम की तरह. क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटरनेट और यूजर जो यूजर और इंटरनेट के बीच में इंटरनेट कनेक्शन होता है उसको एक्सचेंज करने के लिए है, यानी कि उसको मान के चलिए इसे कम्युनिकेशन बनाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड वाईफाई. वाईफाई और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर एक छोटा नोट लिखिए. तो हमने एक छोटा सा ही नोट लिखा है जिसमें पहले लिया है ब्लूटूथ. ब्लूटूथ इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट लेट टू टॉक एंड शेयर इंफॉर्मेशन लाइक वॉइस म्यूजिक एंड वीडियोस. ब्लूटूथ एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो आपको परमिशन देता है अलाउ करता है बातचीत करने के लिए बात करने के लिए और इंफॉर्मेशन जैसे कि लाइक वॉइस आपकी आवाज़ म्यूजिक और वीडियोज को शेयर करने के लिए. इट वॉज इन्वेंटेड इन 1994. इसको 1994 में बनाया गया था बाई इंजीनियर्स एट एरिक्सन. एरिक्सन के इंजीनियर्स के द्वारा. इट कवर्स रेंज अप टू 10 मीटर और इसकी जो दूरी होती है वो 10 मीटर होती है. नेक्स्ट वाईफाई. वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी. इसकी जो फॉर्म होती है वाईफाई की वायरलेस फिडेलिटी. एंड वी यूज रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट. और यह रेडियो वेव्स का उपयोग करती है हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए. ओके, एक बार फिर से इसको देख लीजिए. एंड नाउ स्टूडेंट, दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन. एक्सप्लेन बस एंड स्टार टेक्नोलॉजीज. बस और स्टार टोपोलॉजीज को समझाएं. हियर बस टोपोलॉजी और यहाँ हमने के लिए स्टार टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी ए सिंगल केबल नोन एज बैकबोन और बस कैरीज ऑल द डाटा ब्रैकेट में लिखा है ट्रैफिक कि इसमें एक ही केबल होती है जिसमें डाटा को एक कैरी किया जाता है लाइक ऐसे बस जैसे कि रोड पर बस चलती है. ट्रैफिक इसलिए लिख दिया है भीड़ के लिए भी जैसे हम लोग रोड पर बस चल रही है उसमें भीड़ भाड़ होती है उसके लिए मेन जो केबल होती है उसको बैकबोन बोला जाता है. ठीक है. यहाँ क्या लिया है ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय केबल टू ए सेंट्रल डिवाइस हब और स्विच. इसमें सभी कंप्यूटर केबल के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं लेकिन किससे जो सेंट्रल डिवाइस होती है हब या स्विच हो सकता है. नेक्स्ट है यहाँ पॉइंट कम्युनिकेशन ट्रेवल्स इन बोथ द डायरेक्शन अलोंग द लाइन एंड कैन बी रिसीव्ड बाय एनी वर्क स्टेशन. कह रहे हैं कम्युनिकेशन जो है वो दोनों तरफ से किया जा सकता है दोनों डायरेक्शन से. ठीक है. और किसी भी वर्क स्टेशन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. यहाँ ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स पासेस थ्रू द हब एंड स्विच बिफोर इट कैन बी ट्रांसफर टू इट्स डेस्टिनेशन. सारा कम्युनिकेशन जो होता है कंप्यूटर के बीच में वो हब और स्विच से होकर गुजरेगा.
से होकर पहले गुजरेगा, ताकि उसकी डेस्टिनेशन पर इन दोनों के पास पहले आएगा और उसके बाद ही डेस्टिनेशन को भेजा जाएगा। तो आज जो चैप्टर है से कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर सेकेंड एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।